दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको एक अच्छा चेस प्लेयर बनना है तो आपको ये रूल अप्लाई करना ही पड़ेगा। ये वीडियो है किस तरीके से हम कैस्टलिंग कर सकें। कैस्टलिंग मतलब किंग और रूक दोनों को एक्सचेंज करना है, तो किस तरीके से हम वो कर सकते हैं। देखो, कैस्टलिंग का फायदा यह रहता है कि कैस्टलिंग से आप अपने किंग को प्रोटेक्ट कर सकते हो और दूसरी तरफ से अपना अपना ये जो रुक है वो रुक को आप एक्टिवेट कर सकते हो। मैं अगर आपको कितना भी समझाऊं लेकिन अगर मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल दोनों साइड से मैं प्रैक्टिकल सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम कैस्टलिंग करके अपने वाइट किंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में E4 से करूंगा और ब्लैक भी अपना स्टार्ट करता है D E5 से। कैस्टलिंग के लिए हमें ये जो अपना किंग है और ये जो रुक है उसके बीच में ये जो दो पीसेस है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट कास्टलिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एक दो दो पीसेस को बाहर निकाल के कास्टलिंग कर सकते हो, इसको बोलते हैं शॉर्ट कास्टलिंग। लेकिन अगर आप इस साइड कास्टलिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास तीन पीसेस है, एक रानी भी है, ऊंट भी है और घोड़ा भी है, तो यहाँ पे आपको तीन पीस बाहर निकालना पड़ेगा और उसको बोलते हैं लॉन्ग कास्टलिंग। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट कास्टलिंग दिखाता हूँ। यहाँ से ये घोड़ा मैंने यहाँ पे प्ले किया, सिमिलरली यहाँ से ये घोड़ा यहाँ पे प्ले हुआ, ये जो मेरा ऊँट है उसको मैंने यहाँ पे रखा और ये जो ऊँट है उसको भी मैंने यहाँ पे रखा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरा किंग है और ये रूक है उसके बीच में कोई भी पीसीस नहीं है। ये भी मेरा किंग है, ये भी मेरा रूक है, उसके बीच में कोई पीसीस नहीं है। अभी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कास्टलिंग आप तब भी कर सकते हो जब आपका किंग एक भी बार मूव नहीं होना चाहिए और रुक भी मूव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई ये रुक पहले यहाँ पे आया फिर यहाँ पे आया फिर आप बोल सकते हो कि अब मैं कास्टलिंग कर सकता हूँ। नहीं, रुक भी ओरिजिनल पोजिशन पे होना चाहिए, वो मूव नहीं होना चाहिए। किंग भी ओरिजिनल पोजिशन में होना चाहिए, वो भी मूव नहीं होना चाहिए, तभी जाके आप कास्टलिंग कर सकते हो। अभी देखो, कास्टलिंग के लिए सबसे पहले आपको किंग को पकड़ना है और किंग को यहाँ पे रखना है, तो रूक अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट कास्टलिंग। यहाँ पे देखो, आप दो सर्कल देख सकते हो, इसको बोलते हैं शॉर्ट कास्टलिंग। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो किंग है वो यहाँ पे मैंने रख दिया। अभी देखो इसका फायदा क्या हुआ, ये मेरा किंग है वो सेफ जगह पे चला गया क्योंकि अब वो अटैक, अभी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पीस है, ये पीस है, ये पीस है, फिर ये रूक है, ये भी इसको अटैक करने के लिए तीन पीस है, फिर ये रूक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट कैसलिंग कि जिससे हमारा किंग प्रोटेक्शन में आ गया और ये जो रूक यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा था वो भी एक्टिव हो गया। वो अब यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर सब जगह पे एक्टिव कर सकता है धीरे धीरे जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा तब। तो ये हुआ अपना शॉर्ट कास्टलिंग। अभी मैं आपको लॉन्ग कास्टलिंग कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी लॉन्ग कास्टलिंग के लिए हमें फोकस करना पड़ेगा ये तीन पीसीस के ऊपर कि सबसे पहले मैं ये किंग को बाहर, क्वीन को बाहर निकालूँ, ये ऊंट है उसको बाहर निकालूँ और ये जो मेरा नाइट है उसको बाहर निकालूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये स्टार्ट करता हूँ, फिर ये स्टार्ट करता हूँ, फिर यहाँ से मैं अपना घोड़ा चलता हूँ, यहाँ से घोड़ा चलता हूँ, यहाँ से मैंने अपना ऊँट चल दिया, यहाँ से भी ऊँट चल दिया, ये जो किंग क्वीन है उसको मैंने आगे ले लिया और ये जो किंग है उसको भी मैंने आगे ले लिया। अब मैं कास्टलिंग कैसे होता है वो दिखाने के लिए ये तीन पीसेस को मैंने बाहर निकाल दिया है, यहाँ पे भी तीन पीसेस बाहर है। अब ये जो मेरा किंग है वो यहाँ पे आएगा और ये ऐसे कैसलिंग हो जाएगा।
कैसलिंग के वक्त एक और चीज़ की ध्यान रखना जरूरी है कि सामने की ये जो स्क्वायर है वो सामने वाले कोई भी पीसी से अटैक नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो कि उसका कोई यहाँ पे अगर ये जो हमारा ब्लैक बिशप है उसकी जगह पे उसका ब्लैक बिशप यहाँ पे होता तो हम कैसलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा ये जो स्क्वायर है C1 उसको वो अटैक कर रहा है, तो हम कैसलिंग नहीं कर सकते। अभी इसको ये जो हमने कैसलिंग किया उसको बोलते हैं लॉन्ग कैसलिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन सर्कल है उसको बोलते हैं लॉन्ग कैसलिंग। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं अगर कैसलिंग करता हूँ तो इसको वही बोलते हैं लॉन्ग कैसलिंग। तो ये एक रूल है। तो आपने देखा कि भाई लॉन्ग कैसलिंग के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि तीन पीसेस को बाहर निकालना पड़ता है, और शॉर्ट कैसलिंग में आपको सिर्फ दो पीसेस को बाहर निकालना है। तो ज़्यादातर देखा जाए, ज़्यादातर मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है और सब जगह पे ऐसा ही मतलब प्लेयर्स खेल रहे हैं कि हो सके तो वो लोग जितनी हो सके उतनी जल्दी शॉर्ट कैसलिंग कर सकते हैं, शॉर्ट कैसलिंग करते हैं, ताकि उससे दो फायदे रहते हैं कि एक तो उसका जो किंग है वो प्रोटेक्शन में चला जाता है, और दूसरा जो उसका रुक है वो एक्टिव हो जाता है। तो ये हमारा आज का वीडियो था कि कैसलिंग कैसे होता है और कैसलिंग का क्या रूल्स है। अभी अगले वीडियो में हम आप कोई भी लेवल के हो, अगर आप बिगिनर लेवल के हो, इंटरमीडिएट लेवल के हो, एडवांस लेवल के हो, मास्टर्स लेवल के हो, या तो फिर एक्सपर्ट लेवल के हो, अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि चेस का प्रिंसिपल क्या है, मतलब चेस खेलते वक्त हमें कौन कौन से प्रिंसिपल, कौन कौन से नियम को ध्यान में रखना चाहिए, और वो नियम अगर आपने समझ लिए और अगर चेस खेलते वक्त आपने वो नियम ध्यान में रख लिए तो समझ लो कि आप चेस इजीली जीत सकते हो। तो अगले वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो आप किसी भी हालत में मिस मत करना। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।